नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे राशन कार्ड को लेकर। देश में पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी का दंश झेला, उसके बाद से राशन कार्ड और उस योजना का असली महत्व जो है वो समझ में आया है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान वे लोग जो रोज कमाते थे, उसके बाद उनका घर चलता था, ऐसे में यह राशन कार्ड उन लोगों को एक तरह से कह लें कि एक वरदान साबित हुआ है। बता दें कि बाद के दिनों में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे में अब राशन कार्ड को लेकर एक और बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसमें इस तरह की बात कहा गया है कि राशन कार्ड को अब आपके आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में अब जो बात कहा जा रहा है उसमें यह कहा गया है कि अगर आपका राशन कार्ड है तो आपको आधार कार्ड से लिंक कराने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जारी अपडेट के अनुसार यह भी कहा गया है कि 31 मार्च को इसकी जो है डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 जून तक आप अपने आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करवा लें, जिससे कि आने वाले दिनों में राशन लेने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इधर राशन कार्ड को लेकर यह भी कहा गया है कि लाभार्थी अगर राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाते हैं तो उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड में काफ़ी सफलता मिलेगी, काफ़ी लाभ मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना की शुरुआत इसलिए ही की गई थी ताकि आप अपने प्रदेश से बाहर भी रहे हों तो इस योजना का पूरा लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाना ज़रूरी होगा। जिस तरह से ये योजना जो है केंद्र सरकार की ये लागू की गई, जिसमें कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये एक तरह से कह लें कि बिहार के लोगों के लिए तो एक तरह से कह लें कि ये वरदान है, क्योंकि बिहार में अगर उनका राशन कार्ड बन गया है, अगर वो बिहार से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में जाकर वो रह रहे हैं तो वहाँ भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि वो अगर वहाँ अंगूठा लगाएंगे अपना तो फिंगरप्रिंट के तहत जो है उनका नाम वहाँ शो करने लगेगा राशन कार्ड में, और ऐसे में जो है उनका राशन वहाँ आसानी से मिल जाएगा पीडीएस सेंटर पे। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड नहीं लिंक है तो आपको बुक दिखाना होगा, उस बुक में भी वहाँ का पीडीएस अधिकारी अगर मानता है नहीं मानता है, कई तरह की बातें सामने आ सकती है। लेकिन अगर आपका आधार से लिंक है राशन कार्ड तो आपको जो है दूसरे प्रदेश में खूब सहूलियत मिल सकती है। आइए हम जान लेते हैं राशन कार्ड को हम कैसे ऑफलाइन मोड में लिंक करवाएँ। ऑफलाइन मोड में सबसे पहले आपको नज़दीकी किसी भी पीडीएस केंद्र में जाना होगा, या फिर आप वहां जाएं जहां राशन लाने के लिए जाते हैं। इस पीडीएस दुकान में भी जाकर आप जो है अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और साथ ही साथ मुखिया के साथ साथ उन लोगों का भी फ़ोटो ले जाएं अपने साथ में, जिनका कि आपके राशन कार्ड में जो है जिक्र किया गया है, जिन जिन लोगों का जो है उसमें नाम ऐड है। तो ऐसे में एक सामूहिक फ़ोटो भी उसके साथ होनी चाहिए, साथ में मुखिया की फ़ोटो तो है उस पर कंपलसरी होता ही है। वहां जाने के बाद आप उसे जमा करें, उसके बाद जो है पीडीएस दुकानदार जो है आपका आधार के साथ जो है फ़ोटो जोड़ देगा। दूसरा जो एक अहम चीज़ है वो है कि आधार कार्ड से बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन भी जो है वो किया जाता है वहाँ पे, तो आप जो है इन सारी प्रक्रियाओं को पीडीएस दुकान में जाकर आप करवा सकते हैं। एक और तरीका है, आप ऑनलाइन माध्यम से भी जो है आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करवाने के लिए आपको सबसे पहले आधार की आधिकारिक जो वेबसाइट है uidaigov.in पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा, यानी कि आपको उस वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना होगा, इसके बाद जो है आपसे एक डिटेल मांगा जाएगा, यहाँ पे आपको राशन कार्ड बेनिफिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, यानी कि ये जो है फॉर्म में फिल करना होगा। इसके बाद आपके जो आधार के समय जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो है एक OTP आएगा, इसके बाद आपको वह OTP वहाँ भरना होगा। अब आप इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो आपका आधार जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और साथ ही साथ राशन कार्ड से यह जुड़ भी जाएगा। इसके बाद आप आसानी से अगर बिहार के हैं तो किसी दूसरे प्रदेश में जाकर राशन उठा सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। तो ऐसे में जो है यह एक काफ़ी अच्छी एक तरह से कह लें कि सरकार की योजना है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जो है पूरे देश में आप कहीं भी राशन कार्ड उठा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।